नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरवर्ल्ड में। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ। अभी आपने सामने जो आप ह्यूंडई क्रेटा का EX वेरिएंट देख रहे हैं, ई से ठीक ऊपर, मतलब बेस से एक ऊपर सेकंड बेस वेरिएंट जो इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, काफ़ी अगर लोग कमेंट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि EX वेरिएंट का जो है वीडियो आप प्लीज़ बनाओ, तो फाइनली आपके लिए जो है EX वेरिएंट आज अवेलेबल है। तो कुछ इस टाइप की जो है चाबी मिल जाती है, लॉक अनलॉक के बटन जो है वो मिल जाएंगे, बूट रिलीज करने के लिए बटन जो वो मिल जाता है, इसके अंदर आपको फ्लिप की जो है वो मिल जाती है, ठीक है। अब फीचर्स इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाते हैं अगर आप EX से कंपेयर करते हो, तो बहुत जल्द इसका जो है कंपैरिजन वीडियो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। फिलहाल जो इसका वॉक अराउंड वीडियो जो वो आप देख लो, ठीक है। जो हेडलैम्प का सेटअप है वो प्रोजेक्टर बेस्ड होने वाला, मतलब येलो कलर की लाइटिंग जो इसके अंदर आपको मिलने वाली है। हाई बीम लो बीम जो है वो प्रोजेक्टर सेटअप के अंदर जो वो मिल जाएगा, बट जो अंदर का बल्ब होगा वो हैलोजन होने वाला है, LED नहीं मिलेगा इसके अंदर। बट यहाँ पे आपको DRL जो वो मिल जाता है, बट DRL का जो थिकनेस है वो पतला रखा गया इसके अंदर। ह्यूंडई का लोगो जो वो मिल जाएगा, सिल्वर फिनिशिंग जो वो मिल जाती है चारों तरफ, जो इसका ग्रिल है उसके चारों तरफ, ठीक है। अपना बम्पर जो है वो डुअल टोन के अंदर है, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग जो वो मिल जाती है। बट इसके अंदर जो आपको फॉग लैंप वो नहीं आ रहा, आपका जो इंडिकेटर है सिर्फ वही मिलने वाला है। उसके ठीक बगल में जो आपको एयर कर्टन है वो जरूर मिल जाते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड के अंदर जो है नॉइस सुनाई दे रही होगी, तो वो नॉइस कौन कर रहा है, ये तीनों जो है नॉइस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों। खैर छोड़िए, हटाइए, आइए कार पे। तो कुछ इस तरीके का जो है आपको वी लास्ट पे जो क्लैडिंग वगैरह जो है वो मिलने वाली है, ठीक है। अपोलो के टायर्स जो है वो मिल जाता है यहाँ पे, 205/65R16 inches का जो इसके अंदर आपको स्टील रिम वो मिल जाता है। ह्यूंडई का जो व्हील कैप है वो मिल जाता है। उसके अलावा जो क्लैडिंग वगैरह है, जो आपका व्हील बेस है, वहाँ पे भी आपको क्लैडिंग जो है वो मिल जाती है। कुछ इस तरीके का पूरा नीचे का सेटअप जो होने वाला, सिल्वर फिनिशिंग वगैरह जो वो मिल जाएगी। बॉडी कलर डोर हैंडल्स जो वो मिल जाते हैं। अब गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, उसके लिए सॉरी, रीज़न ये है कि स्टॉकयार्ड में हूँ तो यहाँ पे जो बारिश वगैरह होते रहती है उस वजह से प्लीज़ इसको आपको इग्नोर कर देना यार, ठीक है। उसके अलावा जो आपके ओवरबीम्स वगैरह, LED इंसर्ट्स वगैरह जो वो मिल जाते हैं, यहाँ पे आपका ए पिलर जो है ब्लैक कलर के अंदर रखा गया है, विंडशील्ड वगैरह जो वो आप देख सकते हैं, वाइपर वगैरह जो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। पीछे अगर आ जाएंगे तो पीछे जो है अब तो ऑल फोर डिस्क ब्रेक जो है वो सारी वेरियंट में स्टैंडर्ड हो चुका है, और 6 एयरबैग अक्रॉस ऑल द वेरियंट ह्यूंडई क्रेटा के अंदर, तो काफ़ी अच्छी बात है ह्यूंडई की तरफ से। कुछ इस तरीके का बैक प्रोफाइल जो है इसके अंदर आपको मिलने वाला, इसमें भी आपको 4 डिस्क ब्रेक जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। इस टाइप का कुछ रेयर कॉम्बिनेशन लैंप जो वो मिलने वाला है, पतला सा है, मोटा वाला जो है आपको S+ नाइट एडिशन से जो है स्टार्ट हो जाता है। क्रेटा की जो बैजिंग है वो आपको दिख जाएगी, ह्यूंडई की बैजिंग जो वो दिख जाती है, आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप जो वो दिख जाएगा, डिफॉगर जो इसके अंदर नहीं आता, वाइपर जो इसके अंदर नहीं आएगा, बट आपका साथ में एंटीना जो है वो जरूर आ जाता है, ठीक है। रिवर्स लैंप जो है इसके अंदर आपको 2 मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर वगैरह जो वो भी अपना आप देख लो, ठीक है। जो आपके पार्किंग सेंसर्स है वो 4 मिल जाएंगे यहाँ पे। कुछ इस तरीके का जो है पूरा बम्पर का डिज़ाइन रहने वाला है, डीप ग्रे पैटर्न जो वो मिल जाएगा। अब अगर को ड्राइवर साइड में आ जाए तो फ्यूल कैप जो है वो आप देख सकते हैं, अगर आप डीजल के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको अब जो है एड ब्लू वो डालना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी बॉडी कलर डोर हैंडल्स जो वो मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से आप थोड़ा सा इंटीरियर जो है वो देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर, और अंदर चल के जो है मैं आपको फुल ऑन इंटीरियर जो है वो एक्सप्लोर करवा देता हूँ, क्या क्या मिलने वाला है इसके अंदर। तो डोर को अगर आप ओपन करते हो, जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पे अपना ORVM जो है वो इंटरनली आप एडजस्ट कर सकते हो, लॉक अनलॉक पे जो फोल्ड अनफोल्ड नहीं होगा, बट ये ग्लास वाला पार्ट जो है ना आप इंटरनली एडजस्ट कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है। पावर विंडो का कंट्रोल जो वो दिख जाएगा। सीट तो खैर मैनुअली होने वाला, सिर्फ और सिर्फ SX ऑप्शनल में ही जो है आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन जो है कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। फ्यूल लिड ओपन करने के लिए यहाँ पे लीवर जो है वो मिल जाता है, 3 पैडल्स वगैरह जो वो दिख जाएंगे। डीकट स्टीयरिंग व्हील जो है स्टैंडर्ड हो चुका है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट। यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए बटन जो वो मिल जाते हैं। इसके अंदर अब आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो मिल जाती है, तो उसको जो है आप इस बटन से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर जो है आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, AM/FM जैसे कनेक्टेड फीचर्स जो वो मिल जाते हैं। कैमरा मिल रहा है या नहीं हम लोग चेक कर लेंगे। कुछ इस तरीके की MID जो इसके अंदर आपको दी गई है, स्पीडोमीटर, और इधर से अपना RPM वाला मीटर जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चाबी हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और देख लेते हैं कि पूरा क्या सिस्टम यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का जो है पूरा सिस्टम यहाँ पे रहने वाला है। आप देख लो इंजन हीट टेम्परेचर वगैरह जो है वो देख लो, फ्यूल लेवल इंडिकेशन वगैरह जो है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। वाइपर्स के टॉगल जो है वो दिख जाते हैं यहाँ पे, अपना हेडलैम्प का टॉगल जो है वो भी देख लो। उसके अलावा जो AC वेंट्स वगैरह है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। जो आपका नाइट एडिशन वाला मिल रहा था ना, सेम आपको उसी तरीके से जो है यहाँ पे स्क्रीन जो है वो मिल जाती है इसके अंदर,
ठीक है। आई थिंक कैमरा जो है इसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैनुअल एसी जो है वो मिल जाता है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन जो इसके अंदर नहीं है। चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह जो वो देख लीजिए, 12V का USB पोर्ट टाइप से, यहाँ पे भी चार्जिंग पोर्ट जो वो मिल जाता है, ठीक है। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है यहाँ पे, आर्मरेस्ट जो है आपको जरूर मिल जाएगा, और यहाँ पे बॉटल होल्डर कप होल्डर का स्पेस जो वो मिल जाता है, अपना हैंडब्रेक जो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स दिया गया जो कि कूल्ड नहीं है, ठीक है। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं यहाँ पे, IRVM देख सकते हैं जो कि मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे अपना सनग्लास होल्डर जो वो मिल जाता है, सनरूफ इसके अंदर नहीं आएगा। जो लाइट का सेटअप है वो हैलोजन के अंदर रखा गया। सनशेड की अगर बात करते हैं तो मिरर जो वो मिल जाता है, इस साइड पे आपको टिकट होल्डर जो है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सीट वगैरह जो है वो फैब्रिक फिनिशिंग के साथ में आता है। स्पीकर जो है इसके अंदर आपको मिल जाता है, 4 स्पीकर्स जो वो मिल जाएंगे, ठीक है। ट्विटर्स जो है आई थिंक इसके अंदर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। फैब्रिक फिनिशिंग है पूरा, सीट वगैरह जो आप देख लो। तो हम लोग चलते हैं अब इसके पीछे, और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर जो आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन जो है वो मिल जाएगा, हेडलैम्प लेवलर जो है वो भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। पीछे अगर आ जाएंगे तो जिस टाइप का सेटअप जो है वो होने वाला है, 2 AC vents जो है वो मिल जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस जो आपको मिल जाएगा, बट चार्जिंग पोर्ट जो वो नहीं मिल रहा है। हेडरेस्ट जो वो फिक्स रखा गया है इसके अंदर, पार्सल ट्रे जो है नहीं आ रहा है सेंटर के अंदर जो है, आर्मरेस्ट वो भी नहीं आता, बट सीट जो आप 60-40 ratio में अपना स्प्लिट कर पाएंगे। स्पीकर की प्लेसिंग जो दोनों साइड मिल जाती है, पावर विंडो का कंट्रोल, बॉटल का स्पेस जो वो मिल जाता है। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी कि इसके अंदर जो आपको हेडरेस्ट है वो फिक्स दिया गया, बट ई वेरियंट के अंदर जो है आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो वो मिल जाते हैं, ठीक है। सीट अपना 60-40 ratio में अपना स्प्लिट कर पाएंगे, ठीक। और उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको जिस टाइप का स्पेयर व्हील जो मिल जाता है, 205/65R16 inches का, ठीक है। बूट लैम्प जो है वो मिल जाता है, लगेज हुक जो है वो भी यहाँ पे मिल जा रहा है। तो एक बार जो हम लोग इसके बोनेट को ओपन करते हैं, और बोनेट को ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर जो है आपको फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं। तो इंजन जो था वो अपडेट हो चुका है, आप सब लोगों को पता हो चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग मेरा वीडियो अगर देखते होंगे तो आपको पता है, और जो लोग कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो जिनके पास होगी, पता है कि E20 का सपोर्ट जो है आ चुका है। BS6 Phase 2 इमिशन स्टॉम वगैरह जो है वो 1st of April से मैंडेटरी हो चुके हैं, और इधर अपना इंसुलेशन का वर्क वगैरह जो है वो भी बोनेट पे मिल जाता है, ठीक है। 113 PS की पावर जो है जनरेट करता है ये इंजन। और क्रेटा के लाइनअप में जो है अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही इंजन मिल जाता है, जो कि पेट्रोल और डीजल। टर्बो जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, बट बहुत जल्द जो है ह्यूंडई कुछ ना कुछ नया करने के लिए जानी जाती है, तो आने वाले टाइम पे जो है आपको नया टर्बो इंजन जो बहुत जल्द क्रेटा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये पेट्रोल वाला वेरियंट है। सेफ्टी के अंदर जो टोटल 6 एयरबैग्स जो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, ABS मिल जाएगा, EBD मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, इनफैक्ट इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटर जो है वो भी इसके अंदर आपको अब मिल जाता है, ठीक है। इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या है वो अपने डिस्प्ले पे आप लोग चेक कर लेना कि इसकी एक्सरूम प्राइस क्या है और ऑन रोड प्राइस क्या है। बाकी उस वीडियो को अगर आप धनबाद से देख रहे हो तो आप लिब्रा ह्यूंडई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके बुकिंग वगैरह के लिए। डिस्प्ले पे जो है नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया, डिस्क्रिप्शन पे भी जो आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू जो है वो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको फटाफट से जो है नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो आपको हेडलैम्प का सेटअप वगैरह जो है किस तरीके का क्या मिलने वाला है।